मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय रायगढ़ प्रवास से वापस लौटे हैं, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एक साथ एक बार फिर 22 ट्रेनों को रद्द होने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जनता की तकलीफ परेशानी से केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सेवा इनके एजेंडों में नहीं, बस पैसा कमाना इनका मकसद रह गया है। और जो ट्रेनें चलती हैं वे कई कई घंटे तक लेट चलती हैं। केंद्र सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, आम जनता को इससे क्या परेशानी होगी। लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे जनता को परेशानी है। जब से रेल यातायात शुरू हुई है तब से सरकार ने कभी रेल बंद नहीं किया। आंदोलन चलते बंद हो जाए या संधारण के लिए एक आधो दिन के लिए बंद हो जाए, महीनों महीनों तक के सैकड़ों ट्रेनें बंद हो, जिसे गरीब लोग, मध्यम श्रेणी के लोग यातायात करते हैं, उसको बंद कर दिया गया, उसकी परेशानी से इसे कोई लेना देना नहीं। सेवा इनका एजेंडा में नहीं है, इनका एजेंडा पैसा कमाना।